सर मामा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज देश और प्रदेश की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज जो कांग्रेस है पंजाब और हरियाणा के, वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं और जो स्थिति इस समय गवर्नमेंट ने बना रखी है उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। कांग्रेस नहीं घुस रही है, किसान घुस रहे हैं। जिस तरह अब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की बात करता है किसान, किसान इस बिल के खिलाफ में संघर्ष कर रहा है। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, जब 3 महीने से रेल यातायात बाधित कर रखा था, सड़कों को जाम कर रखा था, तो उस समय सरकार ने सुध क्यों नहीं वार्ता की? जब किसान पैदल चल दिया दिल्ली तो सरकार को दर्द हो गया। आखिर सरकार पानी की बौछार से बुलेट चलाकर, आंसू गैस के गोले छोड़कर, बड़े बड़े पत्थर के चट्टान लगाकर किसान के इरादों को रोक सकती है? किसान है। अच्छा, विपक्ष एक तरह से सवाल उठा रहा है, भाजपा की तरफ से कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें कहा गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो होटलों में पार्टी कर रहे और किसानों को सड़क पर उतार दिया है। मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज कहां पर लीन है। किसान आज पैदल यात्रा कर रहा है, अपनी मांगे मान रहा है, लड़ाई लड़ रहा है सड़कों पर। सरकार के मंत्री तो प्रचार में लगे हैं, कोई हैदराबाद में, कोई अहमदाबाद में। गृह मंत्री यहां से गायब है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है। आप किसी व्यक्ति के दूसरे लोगों को देख रहे हैं, जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की है, आप पार्टी की है। जवाबदेही और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बाहर। एक आखिरी सवाल, बिहार चुनाव जिस तरह से हुए थे, आप महागठबंधन में थे, गठबंधन के लोगों ने आपके ऊपर सवाल उठा दिए कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाई। किसने सवाल उठाया? हम वहां से उठ गए। किसने सवाल उठाया? आज जो तेजस्वी की पार्टी है उसी में कई लोगों ने, तेजस्वी जी ने उठाया था तेजस्वी, कांग्रेस से वही पूछ रहा हूं, इसलिए हमारी तेजस्वी जी ने उठाया था।